पद्मश्री मिलने के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत आज़ादी को लेकर लगातार बयानबाजी कर रही है। वहीं अब महात्मा गांधी को लेकर कंगना ने बयान दिया है, जिस पर महिला कांग्रेस भड़क गई और केंद्र सरकार से पद्मश्री वापस लेने की मांग की है। हिमाचल महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कंगना पर निशाना साधा और कहा कि वे लगातार स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रही है और अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर विवादास्पद बयान दिया है, जो कि निंदनीय है और इस तरह के बयान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ कंगना बयान दे रही है कि उनके दादा स्वतंत्रता सेनानी थे और दूसरी ओर वे लगातार स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रही है, और क्या उनके दादा को भी आज़ादी भीख में मिली है, इस पर भी उन्हें बोलना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से भी अपनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग करते हुए कहा कि देश अमृत महोत्सव मना रहा है और इस तरह कुछ सिरफिरे लोग देश की आज़ादी पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं और केंद्र सरकार चुप बैठी है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे लगता है कि कंगना को शह दी जा रही है, जिसके चलते वे महान हस्तियों का अपमान कर रही है। केंद्र सरकार को कंगना रनौत को जो पद्मश्री दिया गया है उसे वापस लेना चाहिए और इस तरह से आज़ादी को लेकर बयान देने पर कार्रवाई भी करनी चाहिए, ताकि कोई इस तरह के बयान ना दें। ये जो इसका बयान है, ये बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही निम्न स्तर का बयान दिया है। पहले भी उन्होंने कहा कि आज़ादी जो है हमें भीख में मिली है और 2014 में हम लोग आज़ाद हुए हैं, हमें तो आज़ादी मिली है। शर्म की बात है, उसे शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए। जैसे हमने पहले भी कहा है कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे जो युवा थे, उसमें महिलाएं थी, बुजुर्ग थे, लाखों लाखों लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हंसते हुए उन्होंने एक बार नहीं सोचा, उनके सिर्फ एक ही उनकी सोच थी कि हमारा देश जो है वो गुलामी की जंजीरों से जो है आज़ाद हो जाए। और इस तरह के बयान देकर उन्होंने अपने निम्न स्तर की घटिया जो उनकी सोच है वही दिखाई देता है, इसमें वही परिलक्षित होता है। हम इसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार से भी ये मांग करना चाहते हैं कि एक तरफ तो आप लोग आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह के जो सिरफिरे लोग हैं वो इस तरह की टिप्पणी करके हमारे जो महान स्वतंत्रता सेनानी हैं, महान हमारे बलिदानी हैं, उनके बलिदान का अपमान कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि जो उन्हें पद्मश्री दिया है वो उसके लायक ही नहीं है, वो वापस ले लिया जाना चाहिए। मैं समझती हूँ कि सरकार को भी अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि आप बताइए, पूरा सरकार, केंद्र सरकार, पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है और वो इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो मैं तो ये समझती हूँ कि कहाँ पर उसकी इज्जत रह जाती है, वो जो हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, क्या उसकी मैं समझती हूँ कि क्या हो रहा है इस देश में, क्या हो रहा है। सरकार भी स्थिति स्पष्ट करे अपनी कि इतनी बड़ी बात, इतने बड़े बड़े जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनका इतना अपमान, इतना घोर अपमान, और सब लोग मूक दर्शक बनकर बैठे हुए। मैं तो कहती हूँ कि हमें दुख होता है, हमें ग्लानी होती है, ये क्या है, क्या हो रहा है इस देश में। सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि वो इसके साथ है, क्या इसको एंडोर्स करते हैं जो ये कह रही है। आप देखिए, खुद ही कह रही है कि मेरे परिवार में मेरे जो दादाजी थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे। आप समझ लो, इसका मतलब इसके दादाजी भी थे, उनको भी भीख मिली थी, सबको भीख मिली थी। मुझे तो यही समझ नहीं आता कि वो क्या सोच के इस तरह के बयान दे रहे हैं। कहीं ना कहीं से कोई शय मिलती होगी तभी कह रही होंगी वो इतनी बड़ी बात, वरना कोई सोच भी नहीं सकता, सपने में कोई सोच नहीं सकता। हम लोग हर वर्ष हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करते हैं। ये एक व्यक्ति का अपमान नहीं है स्वतंत्रता सेनानी, ये 130 करोड़ जो देश के हमारे निवासी हैं, ये सबका अपमान है, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में हर वर्ग ने आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी है। तो ये एक का अपमान नहीं है, ये तो पूरे देश का अपमान है। मैं समझती हूँ कि ये क्या संदेश जा रहा है लोगों के बीच में, इसकी तो जितनी भी निंदा की जाए उतना ही कम है। वो तो सबको विदित है, सबको दिखाई दे रहा था, और हम तो हिमाचल प्रदेश के जो हमारे लोग हैं हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें एक लोकसभा सीट और 3 हमारी जो विधानसभा की सीट थी
उसमें अपना मत का प्रयोग करते हुए कांग्रेस को उन्होंने आशीर्वाद दिया और हिमाचल प्रदेश का जो नतीजा है उसका ये असर पड़ा पूरे दिल्ली तक कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं वो कम हो गए। और हम उम्मीद करते हैं कि अभी भी जो खाद्यान्न पदार्थ हैं, चाहे वो सब्जियां हैं, सिलेंडर हैं, सबके दाम कम होने चाहिए।